हेलो स्टूडेंट्स, आज जो प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो अभ्यास कार्य करते हैं आप लैब में, उसको हम समझेंगे। अपना ऑब्जेक्ट है दिए गए द्रव का बिंदु मापी की सहायता से प्रस्थानांतर ज्ञात करना। बिंदु मापी यानी स्टाइक्लोमीटर की सहायता से अपने को प्रस्थानांतर ज्ञात करना है। इसमें सबसे जो पहला समझने का यह है कि प्रस्थानांतर होता क्या है, उसको अपन समझेंगे। तो प्रस्थानांतर को हम जब डिफाइन करते हैं तो किसी द्रव के एकांक पृष्ठ पर लंबवत कार्य करने वाला बल प्रस्थानांतर या सरफेस टेंशन होता है। द्रव के प्रस्थानांतर का मान उसके अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल पर निर्भर करता है। प्रस्थानांतर के कारण बूंद क्या करती है, छोटे होने की कोशिश करती है, जिससे वो ड्रॉप नीचे ड्रॉपलेट के रूप में गिर जाती है। आवश्यक उपकरण इस प्रयोग में बिंदुमापी या स्टाइक्लोमीटर, बीकर, रबर की नली, तापमापी इत्यादि काम लेते हैं। और इसका जो सिद्धांत है वो गामा टू इजुकल टू डी टू अपॉन डी वन, एन वन अपॉन एन टू इजुकल टू गामा वन। गामा टू द्रव का प्रस्थानांतर है जो अपने को ज्ञात करना है, जबकि D1 जल का घनत्व जो कि कितना होता है 0.9956 या लगभग 1 ग्राम पर मिली। D2 है द्रव का घनत्व जो कि कितना होता है 0.781 ग्राम पर मिली। N1 और N2 जो कि अपने को ज्ञात करना है, N1 जल की बूंदों की संख्या और N2 जो भी आपको द्रव देंगे जिसका प्रस्थानांतर ज्ञात करना है उस द्रव की बूंदों की संख्या। गामा वन जल का प्रस्थानांतर जो कि कितना है 71.18 डायन पर सेंटीमीटर होता है। ये निश्चित होता है क्योंकि जल को आप उसमें ले रहे हो, जल की बूंदों की संख्या आप ले रहे हो, जो दूसरा है वो द्रव की बूंदों की आप काम में लेंगे। अब हम इसको समझ प्रयोग करने से पहले जो आपने स्टाइक्लोमीटर को आपने देखा होगा लैब में, या बिंदुमापी में जो तरीका है क्या है, इसको सबसे पहले हम क्रोमिक अम्ल से धोते हैं, बाद में आसुत जल से धोते हैं और इसको बिंदुमापी को ओवन में सुखा लेते हैं और अब इसे स्टैंड पर अपन रख लेंगे। मेनली इसका क्या है कि आपको इसमें आप ये देखना है कि यहाँ पे आप स्टॉप कॉक की सहायता से इसको बंद कर लेते हैं और इसमें आप द्रव जो पहले जल की बूंदों को काउंट करना है तो आप क्या करेंगे, इससे शक करेंगे और इसको कहाँ तक लेंगे, एम एक यहाँ पे निशान होता है, ये आपको दिख जाएगा आसानी से, एम बिंदु तक इसको क्या कर लेते हैं, शक कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही जल की सतह पर ऊपरी चिन्ह एम तक आ जाए तो आप क्या करना कर देंगे, बूंदों की संख्या काउंट करने लग जाएंगे कि कितनी बूंदें गिरती हैं। और एन तक जो यहाँ पर आपके एन बना हुआ है इसमें आप देख लेते हैं कि एन तक कितनी बूंदों की संख्या गिरी है और उनकी बूंदों की संख्या को अपन काउंट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन आप टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, जल की बूंदों की संख्या इसको आप 3 बार इस प्रयोग को रिपीट करेंगे जिससे इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब जल की बूंदों की संख्या आप काउंट कर लेंगे उसके बाद द्रव की बूंदों की संख्या को काउंट करते हैं, तो वही मेथड है इसको कि आप क्या करेंगे, एम बिंदु तक इसको सक करेंगे और उसके बाद एन बिंदु तक जो एम से एन के मध्य में जितनी बूंदें आपको स्टाइक्लोमीटर से गिरती हैं उनकी संख्या को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। इनको भी आप 2 या 3 बार रिपीट करेंगे जिससे आपको जो वैल्यू प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, आपके एवरेज वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाती हैं। हमने जब प्रयोग को करते हैं तो जनरली स्टाइक्लोमीटर जो आपके है इसके आधार पर अलग अलग संख्याएं
बूंदों की संख्या द्रव की और वाटर की आएंगी। तो हमने जो वो किया था प्रैक्टिस, उसमें क्या आया था, 64, 62 और 60। ये और एन वन का मान आपने निकाल लिया तो कितना आ गया एवरेज 62। इसी तरह द्रव की बूंदों की संख्या, जो आपको द्रव दिया जाएगा कोई भी अननोन, उसके आधार पर तो इसकी संख्या क्या आई आपको 166 पहली, दूसरी आई 161 और तीसरी आई 156। तो एन टू क्या हो गया, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई 161। अब इसकी कैलकुलेशन आप गणना में आपके इसी में मान रखना है, किसमें मान रखना है, गामा टू बराबर डी टू अपॉन डी वन इंटू एन वन अपॉन एन टू इंटू गामा वन। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप आपकी अलग अलग वैल्यू आएंगी प्रयोग में, जैसे आप करते हैं तो डी टू अपॉन डी वन एन वन अपॉन एन टू और गामा वन, इसकी वैल्यूज आप मैंने बताई हैं जो फिक्स हैं उनको आप रख देंगे 781 अपॉन 1 इंटू 62 आपकी एन वन है बूंदों की संख्या और एन टू है 161 और आपके द्रव का घनत्व आपको जल का पृष्ठ तनाव आपको क्या दिखा रखा है 71.18 डायन पर सेंटीमीटर। तो आपका गामा टू का मान क्या आया जो आपने सॉल्व किया 21.40 डायन पर सेंटीमीटर। अब आपकी ये जो वैल्यू आई है इसको आप क्या कहोगे, रिजल्ट में क्या लिखोगे, दिए गए द्रव का तापक्रम पर। अब जिस मौसम में आप अलग अलग लैब का अलग अलग टेम्परेचर होता है, आज की स्थिति में अलग होगा, गर्मियों आप जून मई जून में करोगे या आप विंटर में करोगे, तो दिए गए द्रव का 30 डिग्री, जैसे आज आपने किया तो 30 डिग्री है इस टाइम रूम टेम्परेचर या लैब टेम्परेचर पर तापक्रम का पृष्ठ तनाव 21.40 डायन पर सेंटीमीटर आप है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आपको करने का तरीका बिल्कुल वही है जब लैब में आप करते हैं। तो मेनली इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत प्रिकॉशन के साथ वाटर जो की बूंदों की संख्या को काउंट करना है, उसके बाद जो दिया गया द्रव है उनकी बूंदों की संख्या को काउंट करना है। कैलकुलेशन आप जब फाइल में करते हो रिकॉर्ड में करते हो तो कैलकुलेशन को कहाँ पे करते हैं, जो व्हाइट पेज होता है, जबकि या लाइनिंग वाले होते हैं उसमें आप क्या करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट आवश्यक उपकरण सिद्धांत और सिद्धांत के बाद आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आप बना सकते हो व्हाइट वाले में, और चाहे आप उसमें बना सकते हो। कैलकुलेशन आपकी इसमें आपको वैल्यू पुट अप करनी है और रिजल्ट लास्ट में आप लिखेंगे, रिजल्ट दिए गए द्रव का 30 डिग्री पर तापक्रम पर पृष्ठ तनाव कितना होता है, जो भी आपको अलग अलग प्राप्त होता है। पर जनरली ये किस पर डिपेंड करता है, ये जो आपको द्रव देंगे उनके आधार पर इसकी बूंदों की संख्या अलग आएगी, तो उसी आधार पर इनके आंसरों में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। धन्यवाद।